अजीज दोस्तों नमस्कार अजीज दोस्तों आज कनाडा टोरंटो टेक टीवी वी स्टूडियोज़ के पास खड़ा हूँ हमारा कई सालों का कनेक्शन है ताहिर गोरा भाई और टेक टीवी से कई बार आपने हमें देखा होगा टेक टीवी पे और आपके कई मेरे दोस्तों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैं बताऊं कि टेक टीवी क्या है उसका सफ़र कैसे शुरू हुआ तो हम ताहिर भाई से बात करेंगे इस सिलसिले में हम अंदर चलते हैं यह है वो जगह जहाँ से टेक टीवी की टीम पूरी दुनिया से आपको खबरें ला के देती है और जो सच्चाई का जो सफ़र है वो यहाँ पे राउंड द क्लॉक काम होता है शाहिद गोरा भाई ये ताहिर भाई हैं ना जिनको आप देखते रहते हैं और आपने रिक्वेस्ट की थी कि टेक टीवी का सारा हिसाब किताब आपको बताएं तो ताहिर भाई से आगे बैठ के बात करते हैं कि किस तरह उन्होंने ये सफ़र शुरू किया क्या कठिनाइयाँ आईं इसमें और आगे उनके क्या प्लान्स हैं नमस्कार अजीज दोस्तों आज से सात आठ साल पहले की बात है लंदन में एक प्रोग्राम में मेरी मुलाकात हुई ताहिर गोरा साहब से जब इंट्रोडक्शन कराया गया तो बताया गया कि ये पाकिस्तान के पंजाबी हैं अब मैं उनकी शख्सियत को देख के मुझे कहीं से बायस नहीं मिला मैंने कहा मैं जब भी पाकिस्तानी पंजाबियों से मिलता हूँ उसमें एक बायस होता है पाकिस्तान की दूसरी कौमियतें जो हैं सिंधी बलोच पख्तून महाजिर उनके लिए थोड़ा नफ़रत या थोड़ा हकारत होती है तो मैंने कहा कि ये किस किस्म के पंजाबी हैं खैर उनके साथ फिर रा बड़ा ताल्लुक़ बड़ा फिर एक प्रोग्राम में मैं वाशिंगटन आया वहाँ उनसे मुलाकात हुई आ, पता चला कि कनाडा में टेक टीवी के रूह रवा हैं फिर ज़ाहिर अपनी आ, जो क्यूरिय, क्यूरियस पर्सनैलिटी है उस पर मैंने टेक टीवी का पता किया तो पता चला कि ये सच बोलने की का जुर्म करता है टेक टीवी और कड़वा सच बताते हैं सब तक फिर बहुत इज्जत बड़ी ताहिर भाई के लिए आ, उनकी वाइफ मेरी बहन आ, हलीमा सादिया के लिए और उनके काम को अप्रिशिएट किया कई बार उन्होंने फिर मुझे मौका दिया मैं टेक टीवी पर हाज़िर हुआ अब जो धर्मा फेस्टिवल साउथ एशियन कल्चरल फेस्टिवल जो अभी मनाया गया उसके भी रू रूह रवा ताहिर भाई थे और ताहिर भाई ने वो बड़ा एक ज़बरदस्त प्रोग्राम किया और बहुत ही नामचीन लोग काफ़ी ज्ञानी लोग उसमें दो दिन हमने ये कॉन्फ्रेंस अटेंड की और जैसे कि मेरी आदत है कि मैं हर जगह से कुछ ना कुछ चोरी करता हूँ यानी चीज़ें सीखता हूँ ज्ञान सीखने की कोशिश करता हूँ तो काफ़ी यहाँ से मैं सीखा और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं टेक टीवी में बैठा हूँ और ताहिर भाई के साथ बैठा हूँ मुझे मौका मिला है कि मेरे कई दर्शकों ने मुझे मैसेज किया कि कैनेडा जा रहे हैं तो हमें भी ज़रा बताइए कि टेक टीवी किस तरह चलता है इसका मकसद क्या था बनाने का तो डायरेक्ट फिर ताहिर भाई से ही तो ताहिर भाई सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम पर्सनली आपके स्टूडियो में आके जान सकें तो ज़रा ये बताइए कि आपका ये सफ़र शुरू करने की वजह क्या थी बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया अरफ भाई बड़ी ख़ुशी की बात है कि आप कैनेडा लाए इस बार ख़ास तौर पर हमारी दावत पे और फेस्टिवल में शिरकत किया आपने टैग टीवी के सफ़र से पहले आपने जब परिचय कराया तो उस परिचय के दौरान आपने ज़िक्र किया कि जब एक पाकिस्तान के पंजाबी की हसीियत से मेला मैं आपसे तो आपके क्या तरह बने तो पहली बात यह है कि मैं अपने आप को दिल से समझता हूँ कि मैं पंजाबी हूँ और पंजाब जो है और पंजाबियत जो है वो भारत की धरती के साथ जुड़ी हुई है क्योंकि आपने सच की बात की तो मैंने कहा मैं उस सच की बात करूँ यह अलग बदकिस्मती है कि सिर्फ पाकिस्तान के पंजाबियों के हवाले से ही एक तसप का तासर नहीं है कि वो सब रखते हैं दूसरों के लिए मैं आपको सच्ची बात बताऊं सभी माइनॉरिटीज एक दूसरे के लिए ठीक ठाक तस्व रखती अच्छा शरीफ तस्ब रखती हैं मैं जब कभी कराची जाता था तो वो ये नहीं कहते थे कि मैं लाहौर से आया हूँ पंजाबी आया वो कहते थे पंजाब से आया ठीक है थीक? वो मैं साफ दिखता था ठीक अच्छा देखिए मैं टैग टीवी के सफर से पहले पाकिस्तान के सफर की बात करता हूँ क्योंकि हम नहीं, नहीं पाकिस्तान नहीं। के बनने की सफर को ही आ, अपने टैग टीवी पे एक सच्चाई की सूरत में बयान करते हैं पंजाब एक ऐसी जगह थी जहाँ पे मोहम्मद अली जनाह को वेलकम नहीं किया जाता था फोर्टी सेवन से पहले हाँ। पंजाब नहीं चाहता था बंटवारा हो जब पंजाब का बंटवारा हुआ तो सबसे ज्यादा बंगालियों से भी ज्यादा खून बहा पंजाबियों का चाहे वो हिंदू पंजाबी थे चाहे सिख पंजाबी थे चाहे मुसलमान पंजाबी थे और ये हती कि क्रिश्चन पंजाबी भी इससे बहुत आ, मुतासर हुए ये नहीं पता था कि अमृतसर जो है वो इस तरफ के पंजाब में है या लाहौर उस तरफ के पंजाब में पता ही नहीं था किसी को यकीन ही नहीं आता था समझ ही नहीं आती थी कि ये है तो वो पंजाबी पाकिस्तान के हक़ में ही नहीं थे पाकिस्तान तो बनाया था अंग्रेज़ों ने और बदकिस्मती से जो हमारे यहां यूपी सी पी के खासतौर पर महाजरीन आए वो पता नहीं कौन सा ख्वाब लेके आए थे सही। वो आलाकार बने जिनाह के।, जिना के इवन आप गुजरात से आपका तल्लक है गुजराती भी आलाकार ना बने जो के मोहम्मद अली जना तो गुजरात के थे ना हाँ। तो वो भी आलाकार ना बने आलाकार कौन बने यूपी के सीपी के और दिल्ली के मुसलमान बिहार और बिहार और ये कोई पता नहीं कौन सा एक खाब का झंडा लहराते हुए आए और फिर आपको पता है कि फिर इनकी ब्यूरोक्रेसी ने ही रूल किया अपने लॉस सेट किए उर्दू को इम्पोज किया एज अ नेशनल लैंग्वेज इन बांग्लादेश जहां सबसे ज्यादा लड़ाई शुरू हुई और फिर उसके बाद पंजाबियों ने कहा कि हम तो इतने मारे लुटे गए फौज हमारी थी हाँ तो फिर हम ही एक मतलब आज भी एक तासर है, लेकिन बहुत सालों तक तासर रहा पंजाबी मुहाजर एलाइंस रहा पाकिस्तान को रूल करने के लिए आपके आबाजा गुजरात से आए यकीन कीजिए मैं गुजरातियों को आज तक नहीं समझ सका कि ये ये वो कभी बेचारे मुहाजर होना भी कलेम नहीं करते वो अपनी गुजराती जो शनाख्त है उसी को बरकरार रखे है, बिल्कुल है। लेकिन बाकी ने जो जो आए महाजर आए उन्होंने अपनी सारी शनाखते छोड़ दी और उन्होंने कहा जी हमें सोआ गुजरातियों के तो आपने टैग टी वी के सफर की बात जानना चाहिए तो ये वो ख्याल हैं जिसकी बुनियाद पर टैग टी वी की बुनियाद पड़ी जो बातें मैंने ये। की ये जो तस्बात का मसला है असल तो हिंदू से नफरत की बुनियाद पर यह देश बना था ना कि जी हिंदू के साथ मुसलमान नहीं रह सकता तो हमने महसूस किया कि भाई टैग टी वी पर सच बयान किया जाए ये वो बातें की जाएं जो कोई और नहीं करता टैग टीवी की बुनियाद से पहले बुनियाद थी मेरे एक साथी आ, साथी नहीं, एक दोस्त या वाकफ़कार थे उन्होंने अपना एक यूट्यूब और इंटरनेट बेस्ड टेलीविज़न शुरू किया आ, दो हज़ार दस दो हज़ार ग्यारह में तो उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे आँख के शो किया करें तो मैं उनके यूट्यूब पे करने के लिए तो मैंने और तारक फ़तेह जी ने पहला शो किया और उस वक्त यूट्यूब भी नया नया था यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर्स नहीं थे तो मेरा ख़्याल पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो पचीदा रिश्ते हैं उन पे बात करने के लिए आ, हम दोनों ने जो शो किया वो वायरल हो गया जिसकी 2011 हज़ार जनवरी वो शो मेरा और तारक़ फताजी जी का वो वायरल हुआ और फिर उसके बाद मैंने उस आ, साहब के आ, स्टूडियो में कई शोज़ की है मैं अगर कहूँ कि कोई शायद डेढ़ दो सौ शो किए तो गलत नहीं होगा फिर आ, फिर हमने मैंने और हलीमा ने 2014 में टैग टीवी की बुनियाद रखी सफ़र वही था जो आ, 2011 में मैंने और तारक़ फ़तह ने गुफ्तु का किया था लेकिन सफ़र दर हकीकत से पहले पाकिस्तान में जाता है जब मैं पाकिस्तान रहा करता था तो मैं बिला तकल्फ़ के उनवान से मुसावात अखबार में बाकायदगी से कॉलम लिखा करता था आप तो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट जी जी आपका तो कई का सफर जी है। बिल्कुल बिल्कुल तो मैं वो जो आ, जो मुसावत अखबार के कॉलम कॉलम नवीस होने के नाते जिस उनवान से मैं कॉलम लिखता था उसी उनवान से मैं अपने शो को लेकर आया 2011 में मैंने यूट्यूब पर उन साहब के रावल टीवी के नाम से उनका स्टूडियो था तो मैंने वहाँ से आ, शो शुरू किए फिर जब अपना टेलीविज़न हमने शुरू कर दिया 2014 में तो फिर वही बिला तकल्लफ सफ़र करता रहा तो बिला तकल्लफ बात जो मैं पाकिस्तान से करता था पाकिस्तान में रहते हुए करता था उसकी कंटिन्यूशन थी यहाँ में जब टेलीविज़न के सिलसिले आम नहीं हुए थे तो मैं कनाडा में 1998 से रह रहा हूँ तो 1998 में मैंने अपना अखबार यहाँ वतन निकाला था तो वतन से मैं बिला तकल्लफ़ के नाम का कॉलम लिखता था फिर बिला तकल्लफ़ का वही कॉलम पाकिस्तान पोस्ट में अफाख्याली के अखबार में छपता रहा वहाँ कई साल छपता रहा फिर जब आ, आ, ये टेलीविज़न का ज़माना आ गया और बहुत ज़्यादा आई मीन यूट्यूब के टेलीविजन का जब ज़माना आ गया और जब मैंने रावल टीवी से शो शुरू किया तब भी बिला तकल्फ़ था बिला तकल्फ़ एक तरह से ट्रेड नेम था जो मैंने मैं कहूँगा कि नाइनटीन में मैंने वो कॉलम लिखना शुरू किया था तो वो अब आ, वो जो 2014 से आज हम 2024 को बैठे हुए दस साल का सफर एग्जैक्ट हो गया है तो अब टैग टीवी उस नाम से चल रहा है तो बस एक धुन है एक पागलपन है और उस पागलपन ने अब कब कुछ कुछ बोर भी कर दिया है फ्रेंकली सही अब यूट्यूब पे भी एक जंगल सा हो गया है व्लॉग्स का और सब का अभी एक ही तरह की बातें करते करते कुछ बोरियत भी हो गई है कि भाई ये क्या है आ, लेकिन ये बात तय है कि जो बातें मैंने और तारक फतह ने यूट्यूब पे शुरू की थी उन बातों ने आगे बहुत सारे दोस्तों को रास्ता दिखाया रास्ता भी दिखाया हमें खुशी होती है हम उनके शुक्रगुजार हैं कि वो आगे उन्हीं ख्याल को लेकर चल रहे हैं और ख़्यालत क्या हैं ह्यूमन राइट्स का एहसास किया जाए उस रीजन में कश्मीर के नाम पे जो बदमाशी हुई है जो दहशत गर्दी हुई है उसको मजम्मत उसकी मजम्मत की जाए उसके बारे सोच समझ रखने वाले लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट हो बलोच आ, लोगों के साथ जो ज्यादियाँ हुई हैं उनका एहसास किया जाए और कुछ उसका रास्ता निकाला जाए उनके हकूक का पशतूनों के साथ जो जुल्म हो रहा है उनका किया जाए सिंधी जो आ, हमारे नेशनल महन भाई हैं आ, उनकी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाई जाए ये अलग बात है कि बदकस्मती से सिंध से ही ये सिंध और बंगाल ने ही इस्लाम का पाकिस्तानी इस्लाम का पौधा लगाया था तो बंगाल को तो समझ आ गई और सिंध को भी काफ़ी समझ आ गई है तो ये है मख्तसर बल्कि थोड़े ज़्यादा ही मख्तसर से ज़्यादा ही लफ्जों में इसका ख़ुलासा तो ताहिर भाई हम जैसे यूट्यूबर तो हाथ हादसाती एक तरह से आ गए ठीक है और सीखते सीखते आज हम अपना यूट्यूब चला रहे हैं आप तो प्रोफेशन प्रोफेशनल, जर्न, प्रोफेशनल जर्नलिस्ट थे पाकिस्तान में जब आप जर्नलिज्म करते थे तो जिस किस्म का घुटन ज़्यादा माहौल था तो आपके लिए तो अपने ख़यालत का खुल के प्रचार करना मुश्किल होता होगा आपको वहाँ पर क्या मुश्किल पेश आई देखिए पाकिस्तान में मैं जर्नलिज़म भी करता था मेरा इशाती इदारा भी था गोरा पब्लिशर्स के नाम से एक बहुत बड़ा शाती इदारा था हमें बहुत सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा हम एक आइडियलिज्म के रस्ते पर चल पड़े ख्याल ये था कि यहाँ पर जो राइटर्स हैं उनको मैक्सिमम सहूलियात दें उनकी बड़ी से बड़ी हम रॉयटी देते थे हमारा इदारा करोड़ों रुपए के कर्जों के बोझ तले दब गया इसलिए कि वो जो राइटर्स थे उनमें से अक्सरियत जुम्मन दे बाद में उनके तल्लक के बाद एहसास हुआ कि उन राइटर्स को भी कोई 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 नहीं थी दर्दमंदी का एहसास नहीं था वो भी अनफॉर्चुनेटली अपॉर्चुनिस्ट ही निकले सारे उनमें से बड़े बड़े नाम मैं आपको बताता हूं जो हमारा हाल हुआ वो तो हुआ ही हुआ खैर पाकिस्तान में रहते हुए मैं जब मुसावाद में कॉलम लिखा करता था अब ये वो जमाना है 1988 से ऑनवर्ड का 1988 से इन बिटवीन 98 का 10 बरस का ये जो जमाना है इसमें फ्री भी कई इधारों के लिए लिखा अपना शाति इदारा भी चलाया और दिक्कत ये होती थी कि वहाँ पे थोड़ी सी बात एहतियात से करना पड़ती थी फ्रैंकली बे एहतियाती मैं अब भी नहीं बढ़ता मेरा अब भी वो जर्नलिस्टिक एक है मार में उसको नहीं छोड़ता आ, लेकिन बात करते हैं टंके डंक, की चोट पर जो करना होती है तो वहाँ पे भी बात कर लेते थे लेकिन वहाँ पे रहते हुए नेटवर्किंग भी थी दोस्तों को समझा लेते थे जियालग का ज़माना नया नया ख़त्म हुआ था हाँ। तो एक एक फ्रीडम का सा एहसास हुआ था कि शायद हम हम खुल के बात कर सकते हैं लेकिन सच्ची बात यह है कि वहाँ 88 -एट में जब मैंने अखबारों के लिए बाकायदगी से लिखना शुरू किया ये वो ज़माना है जब बेनज़ीर की पहली सरकार बनी जियाल्लाख जा चुके थे दुनिया से एक हादसे के बाद तो हमने एक ज, ये एक जरूरत का एहसास तक बात कर सकते हैं मैं पीपल्स पार्टी का रिलेटिवली सपोर्टर था आ, लेकिन जर्नलिज्म में हम वो सपोर्ट नहीं उतनी दिखाया करते थे दिखते भी थी उसमें कोई हर्ज वाली बात भी नहीं है तो आ, फिर पीपल्स पार्टी की पॉलिसियों ने भी मायूस किया तो ये वो जमाना था कि जब खुल के बात करते थे लेकिन बात करते करते हमें ऐसे सबक मिले हमें ऐसे धचके मिले कि पता चला कि नहीं ये देश फ्री नहीं हुआ जियालग के जाने के बाद भी ये जियालग की बाक़ियात के हाथ में है ये तब एहसास हुआ था तो फिर मेरा आ, आना जाना 1989 से अभी सोवियत यूनियन था सोवियत यूनियन के इलाक़ों में आना जाना शुरू हो गया वहाँ से मैंने फ्री शुरू की आ, और आ, मैं कई न्यूज़ एजेंसीज़ के लिए फ्रीलांस काम करता था वहाँ पे पब्लिशिंग का काम शुरू किया आ, और भी छोटे मोटे धंधे करने की कोशिश की बदकिस्मती से वो नाकाम हो गए उनकी नाकामी की वजह से सर पे बोझ और बड़े बहुत सारे इल्ज़ाम सहे कि जी देखिए हमारे तो पैसे डूब गए लोगों के तरह की भी बातें थी जो हमारे मीडिया हाउस के पार्टनर्स थे तो ये सब कुछ सहा और वहाँ पे 1988 तक इन बिटवीन पाकिस्तान और सेंट्रल एशियन ममालिक जिसे पंजाबी का एक एक्सप्रेशन है खजल होते रहे खजल फिर 98 में कैनेडा आ गए तो जर्नलिज्म आपने बात पूछी मैं थोड़ी बात लंबी कर गया उस जमाने में जर्नलिज्म करते हुए बिल्कुल दिक्कतें थी बहुत दुशारियाँ थी फिर जब मैं कैनेडा आ गया 98 में मैंने बताया आपको कि यहाँ से मैंने वतन अखबार शुरू किया तो मेरा ख्याल था कि बहुत आज़ादी है जिस आज़ादी का एहसास हमें जियालग के मरने के बाद वहाँ हुआ था बेनज़ीर की हुकूमत के आने के बाद और लिखते लिखते और वहाँ से मैंने अदबी मुजल्ला भी निकालता था और सियासी मुजल्ला भी निकालता था पाकिस्तान से एक सियासी मुजल्ला निकालने के लिए उसका डेक्लेशन लेना पड़ता था और वो बड़ा मुश्किल काम हुआ करता था ठीक है उसमें बारह तेरह लोगों का स्टाफ था आप यकीन नहीं कर सकते कि मुझ पर उस मुझ सियासी मुजल्ला की वजह से हफ़्ता उसका उनवान था वो हफ्ता रहा था उसका टाइटल था हफ्ता हम ऐसी ऐसी स्टोरीज उस पर छापा करते थे हमारे अच्छी टीम थी आ, साथियों की तो वो वहाँ पे इतनी दुशवारियाँ हुई और फिर कोई ऐसी किताबें मैंने छापी मुलाओं ने फतवे दिए अहमद बशीर साहब की किताब मैंने छापी जो मिले थे रास्ते में डॉक्टर इसरार अहमद ने आ, मुझे और मुसन्फ़ जनाब अहमद बशीर साहब को आ, वो कत्ल के फतवे जारी किए तो ये सब दिखते रहीं बहुत दिखते रहीं। फिर हम ह्यूमन राइट्स के रसिया थे शिया कम्युनिटी के साथ जो बुरा होता था उसकी आवाज़ उठाते थे अहमदिया कम्युनिटी के साथ जो बुरा होता था उसकी आवाज़ उठाते थे अहमदिया राइटर्स की किताबें छापने में वहाँ पाकिस्तान में लोग आ, बहुत आ, जैसे होता है ना उनकी हीलो हजरत होती थी हम मैं वो छापा करता था डॉक्टर अब्दुलसलम की किताब मैंने छापी उस पर हमें धमकियाँ मिलती थी तो ये काम जो कनाडा में किया वो वहाँ पे भी करते रहे चाहे लिखने की हद तक चाहे छापने की हद तक और ये अलग बात है कि हम जिनके हक़ में बोलते थे वो भी फिर हमारे खिलाफ ही बोलते थे <laughs> वो एक शेर था ना किसी का नमाज जनाजा पढ़ाई हमारी घरों ने मरे थे जिनके लिए वो वजू करते रहे मैं शायद ठीक से पढ़ नहीं सका शेर जो अपनी उसमें बैर में था लेकिन उसका मफहम कुछ ही उभरता जाहिर भाई अभी आपने कहा कि अब करते करते बोरियत होने लगी है एक जैसे प्रोग्राम तो क्या आगे कोई चेंज ला रहे हैं कोई जहन में कुछ चीज़ें हैं कि आप तब्दीली ला रहे हैं बिल्कुल ला रहे हैं बिल्कुल ला रहे हैं एक तो हम इंटरएक्टिव टॉक ज्यादा बढ़ा रहे हैं अब देखिए हिंदुस्तान पाकिस्तान के मिसाइल शुरुआत अगर हम बहुत उसकी मेन नक्शा बांधे तो वो तो बनता है जिना का मामला अच्छा अब जिना के उस मामले पे कितनी बात हो सकती है सही ठीक है मत जिना ने मत अपने इंटरेस्ट में या उस वक्त के जियो पॉलिटिक्स में जो भी बलंडर की है जिसका खुमियाजा उस धरती के मिलियंस एंड मिलियंस लोगों को उठाना पड़ा तो अब वो बातें हम बहुत सालों से कर रहे हैं टैग टीवी पर तारक फतेह जी के साथ बातचीत से शुरू हुई थी आज तक कर रहे हैं और शायद करते रहेंगे ऐसी बात नहीं है कि वो मौजूद इन म, मतलब वैलिड नहीं रहे वो आज भी वैलिड है मगर अब हमें आगे के सफर की बात करना है आगे का सफर क्या है क्या ये जो उस धरती का एक ब्लंडर के नतीजे में बनने वाला मुल्क पाकिस्तान था और फिर उससे एक मुल्क फूटा बांग्लादेश क्या ये कभी दुरुस्त हो पाएंगे नंबर एक तो अब हम इनका फ्यूचर जो है ना इस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं लेकिन मैं कैनेडियन भी हूं मैं इंटरनेशनल शहरी भी हूं तो हमारे टेलीविजन पे कैनेडियन इंटरनेशनल इश्यूज़ भी अब ठीक ठाक तरीके से आ रहे हैं अब हमारे जो व्यूज हैं वो जरा फिक्स हैं या वो वही वो, वो बातें ज़्यादातर सुनना चाहते हैं फ्रेंकली मैं बताऊं कि जी ये पाकिस्तान हिंदुस्तान के मसाइल या इस्लाम के हवाले से कोई क्रिटिकल मसाइल या इस्लाम के हक में कोई मसाइल अब ये हमारे कोई फेवरेट डिशेस नहीं हैं हम हम दुनिया के ग्लोबल सिटीजंस हैं तो दुनिया के जो ग्लोबल इश्यूज हैं उनको एनालाइज करना चाहते हैं उस पर कोई चटपटी बातें पेश करने के लिए ट्वेंटी फोर सेवन नहीं बैठे हुए सही 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 हम ये चाहते हैं कि प्रोफेशनल दास से एनालाइज करें हमने गुजत कुछ महीनों से अंग्रेजी नशरियात बढ़ा दी हैं और फिर हमने एक अंग्रेज़ी का एक अलग से टीवी चैनल भी द इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल के नाम से टेस्टिंग करना शुरू कर दिया जिसमें हम यहाँ के कनेडियन लोगों को पार्ट टाइम हायर कर रहे हैं जो कि मतलब कोट अंड कोर्ट वाइट कॉकेशियन कनेडियंस हैं वो हमने सिरसा शुरू कर दिया तो अब हम अपने जो मसाइल हैं साउथ एशिया के वो करते रहेंगे बातचीत ये नहीं कह रहा मगर उनमें हमारा अब ज़्यादा ज़ोर है मुस्तबिल की बातें और जो हमारा इंटरनेशनल चैनल है वो तो बहुत ही ज़्यादा इंटरनेशनल इश्यूज पर ही रहेगा और जाहिर रहे। साउथ एशिया भी इंटरनेशनल आ, दुनिया का एक बड़ा हिस्सा है तो वो भी जेर बहस आएगा तो ये ये हम आगे लेके जा रहे हैं फिर लिटरेचर के हवाले से फिर क्रिटिकल थाट्स के हवाले से हम आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये बहुत ज़्यादा हमारा कॉन्टेंट बढ़ेगा जिससे कम अज़ कम हमारी तो बोरी दूर होगी चूंकि सबसे पहले बोरियत है तो करने वाले को होती है यी ना यी। मैं बाज कर कोई किताब लिखता हूँ तो मैं चूंकि फिक्शन लिखता हूँ तो मेरा जी ये चाहता है कि मैं ऐसी किताब लिखूं जो मैं नहीं पढ़ सकता जो कहीं अवेलेबल नहीं है मैं कोई ऐसी किताब लिखूं जो मेरे पास आस नहीं है तो इसी तरह हम बातें भी अब वो कुछ ऐसी करेंगे आ, इंटरनेशनल सीन पे फ़िलासफी पे आ, और ख़ासतौर पर लिटरेचर हम कंटेम्प्रेरी मॉडर्न लिटरेचर सिर्फ बड़े सईद का लिटर नहीं लिटरेचर नहीं इंटरनेशनल लिटरेचर तो ये तब्दीलियाँ आपको महसूस होंगी इन नेक्स्ट वन टू मंथ्स आपने बिल्कुल सही कहा और वैसे भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पौ, जियो पॉलिटिक्स अब इतनी आगे बढ़ गई है कि हमारे पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश ये सब इश्यूज़ भी अटैचड हैं जियो पॉलिटिक्स से तो इसलिए बिल्कुल ये एक अच्छी खबर सुनाई आपने ख़ास तौर पे जो एक इंग्लिश चैनल है क्योंकि इस रीजन में साउथ एशिया में भी हर आदमी उर्दू हिंदी नहीं समझता इंग्लिश मोस्टली जैसे साउथ इंडिया में वेस्ट इंडिया में ईस्ट इंडिया में कई जगहों पे इंग्लिश ज़्यादा लोग समझते हैं आ, ताहिर भाई आ, अभी आपने दो तीन बार जिक्र किया तारिक भाई का जी जी तारिक फत्ता भाई के बारे में भी लोग मुझे कह रहे थे आप कैनेडा जाएं तो हमें बताइएगा तो कुछ आप उनके आखिरी दिनों के बारे में बताएं क्योंकि हमें भी नहीं पता चला अचानक ही खबर आई पहले तो अफवाह उड़ी थी कि तारिक भाई का इंतकाल हो गया तो फिर मैं भी परेशान हुआ मैंने तारिक भाई साहब मैसेज भी किया तो उन्होंने जवाब में सिर्फ इतना भेजा कि अभी ज़िंदा हूँ लेकिन उसके दो तीन दिन बाद ख़बर आई तो कुछ बताइए क्या आखिरी सफ़र था उनका तारिक फ़तेह साहब के साथ मेरी बहुत गुर्बत रही और जब से मैं कैनेडा में हूँ उनके साथ नाता रहा मेरे से सीनियर थे और बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी थे और बहुत ही मनमर्जी की हस्ती थे रूठ भी जाते थे दोस्तों से रूठ रूठ जाते थे दिल के बहुत साफ थे बड़े अच्छे थे और रूठने के बाद या अगर कोई उनसे भी रूठ जाता था मैं भी उनसे दो एक दफ़ा रूठ गया वो भी मुझसे रूठ जाता था मैं भी जब आ, मतलब मुझे वाकिया याद है कि मुझे कोई उनकी एक बात अच्छी नहीं लगी तो मैंने कहा कि मैं नहीं बस आपसे मिलना मिलना तो कुछ साल एक बार हमारी कहीं मुलाकात हुई ओ कित तो? आ फिर गले में दिल के इसी तरह होता है ठीक है ना जी तो वो मतलब इस तरह के आदमी थे बड़ी उनसे न्याजमंदी रही बल्कि चैलेंज रहा मेरे लिए पाकिस्तानी जो टिपिकल माइंड के लोग हैं वो हमेशा मुझे निशाने पर रखते थे और आज भी रखते हैं कि तुम हो जिसने तारक फतेह को यूट्यूब पे लॉन्च किया ठीक <laughs> है प्रोग्राम बताया हाँ ग्यारह जनवरी दो हजार ग्यारह का पहली बार और वो मौजूद है अभी भी कहते तुम हो जिसकी वजह से अच्छा फिर वो सिर्फ एक शो नहीं था ना उसके बाद मेरे साथ उनके कोई सैकड़ों शोज हुए ठीक है तो वो मतलब वो मुझे ही आ, उंगली ए, मेरी तरफ ही उठती वजह से ये इतना खौफनाक वो तो उनको फितना कहते थे जाहिर है वो उनके मुखालफी थे थीके? 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 ये, ये तुम्हारा ही कड़ वो आज भी मेरे वो बैगेज में है और मैं उसको खुशी से ऑनर समझता हूँ कि एक बिल्कुल मुख्तलिफ आवाज को दबंग आवाज को कहीं कहीं वो अनप्रडिक्टेबल आवाज भी थी सही ठीक है उसको मैंने इंट्रोड्यूस किया लॉन्च किया फिर वो तो मत तो खुद इतने टैलेंटेड थे वो तो इतफाक था कि पहले वो मेरे किसी यूट्यूब चैनल में आए मैं ये नहीं कहता कि मैं उनकी वजह बना वो वो तो उनक, उनका टैलेंट उनकी वजह था लेकिन ये मेरे लिए एक ऑनर की बात है ठीक है लेकिन आज वो बहुत सारे लोगों के साथ शोज में आते रहे और भारत के टीवी चैनल्स पे आते रहे आज भी लोग कहते हैं कि जो बात तुम्हारी उनके साथ कन्वर्सेशन होती थी ना उतनी हमने आ, जिसे कहते हैं ना जानदार कन्वर्सेशन और बामानी कन्वर्सेशन आज तक नहीं पाई और वो दर्जनों क्या सैकड़ों हुए उनके साथ मेरे सब यूट्यूब्स में मौजूद है तो तारिक के जो आखिरी दिन थे जो आपका खास प्रिसाइज क्वेश्चन है मैं और हलीमा हम इसी साल गए हुए थे भारत अब मैं माफी चाहता तो हूं पिछले साल की बात है हम इस साल तो गई है तो बाद की बात है अभी की बात है हम पिछले साल चूंकि उनका इंतकाल हुआ तो हम पिछले साल भारत गए हुए थे तो भारत से जब वापस आए तो मुझे पता चला कि वो बीमार है चूंकि भारत जाने से पहले 2023 की मैं बात कर रहा हूं मार्च की तो हम जाने से पहले मैंने एक शो उनका रिकॉर्ड किया था जाने से मेरा तीन चार दिन पहले वो शो है मेरे यूट्यूब चैनल तो जब पंद्रह बीस दिन मेरा हाल तीन हफ्ते हम भारत तो भारत घूमते रहे तो जब वापस आए तो मैं जहाज़ में बैठा हुआ सोच रहा हूँ कि बस जाते एक दो दिन का रेस्ट करने के बाद मैं तारक को फ़ोन करूँगा उनसे कहूँगा तारक भाई फिर तैयार हो जाएं कल आपके साथ रिकॉर्डिंग करनी जब यहाँ आया तो मुझे इतला मिली कि वो शदीद बीमार है तो फिर आने के एक रोज़ बाद हम हॉस्पिटल गए सेंट माइकल हॉस्पिटल डाउन टाउन टोरोंटो में तो वहाँ इंतजार जैदी साहब थे उनकी बेटी थी तो पता चला वो तो उन पर कैंसर का शरीर हमला हुआ है हम एक कॉरीडोर में वो मिले तो उन्होंने बताया तो गए तो तारेक बहुत कमज़ोर थे बेड पे थे और देख रहे थे मुझे देखा तो तारिक जी की आवाज़ तो गरजदार आवाज होती थी बड़ी ही उन्होंने पतली सी कमजोर आवाज में कहा कि हाल है तेरा मेरे साथ वो हमेशा पंजाबी बोलते थे हम दोनों कसूर के थे हम दोनों शेख खोजा बरादरी से ठीक <laughs> तो वैसे वो पले बड़े ज्यादा उनकी जिंदगी का हिस्सा कराची में, में गुजरा लाहौर में भी वो पाकिस्तान टेलीविजन के न्यूज़ प्रोड्यूसर रह चुके हैं मैं उस जमाने से उनको जानता था मेरे सीनियर थे तो मेरे लिए एक शौक था बल्कि नकाबले बर्दाश्त था आपको देखना अब ये बहुत ही इमोशन हुआ मैं जब घर गया तो मैं रोता रहा रात को मिलकर यार तारक पहले भी दो बार कैंसर का उन पर हमला हुआ था इससे पहले भी तो ये वाली हालत नहीं थी जो मैंने तीसरे अटैक पे उनकी देखी बिल्कुल तारक तो पहचाने नहीं जा रहे थे तो मैं डर गया पहले दोनों हमलों के दौरान हमने जब उनको देखा मिलने जाते थे कमजोर होते थे वो तो हमारा पता नहीं एहसास था कि हुआ कुछ नहीं होगा और वो कुछ नहीं हुआ सरवाइव किया उन्होंने इस बार जब मैंने देखा तो मेरे दिल को ना धचका लगा खदशा हुआ बुरे बुरे खदशात आए और उन खदशात ने मुझे भी अंदर से हिला दिया हिला दिया कमजोर किया फिर हर आलमोस्ट हर रोज या दो दूसरे रोज जाते रहे मेरा ख़्याल है भारत से वापसी के बाद जब पहली बार उनके उनकी बीमारी का पता चला तो उसके बाद मेरा ख्याल है वो तीन हफ्ते आलमोस इसी हालत में रहे फिर एक दिन नताशा ने बताया हम सब को जो डैडी के दोस्त थे एक ग्रुप उसने व्हाट्सएप पर बनाया उसने कहा कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया उन्होंने फोर्टी एट आवर्स बता दिए तो अब कोई ऑप्शन नहीं रही तो वो वो सब चीज़ें विटनेस की गए जब नताशा ने ये मैसेज भेजा हॉस्पिटल में और हलीमा गए फिर उसके शायद चंद घंटों बाद उनको इंजेक्शन लगा दिया गया फिर भी हम वहाँ पे रहे रात को घर आ गए सोने के लिए क्योंकि हॉस्पिटल में इजाजत नहीं है इतने लोगों की फिर अगले रोज गए <coughs> कॉरिडोर में टहलते रहे कमरे में गए हॉस्पिटल से बाहर जाते रहे पास ही कॉफ़ी शॉप थी जहाँ मैं और तारक बैठ के कॉफ़ी पिया करते थे और डॉक्टर ने कह दिया कि अब तो दो दिन भी नहीं भी ये चंद घंटों के मेहमान है तो मुझे याद है कि वो नीचे आके मैंने हलीमा ने और हमारे एक दोस्त राव साहब हैं हमने कॉफ़ी पी उसी कॉफ़ी शॉप से जहाँ बैठ के पिया करते थे और शाम को फिर हम रह रुक नहीं सकते थे वापस आ गए तो फिर रात को दो ढाई बजे उनका इंकाल हो गया जिसकी हमें खबर आई तो वो तारिक जिनके के बारे में मैं भारत में जब था पिछले साल के विजिट के दौरान तो मैं ये सोच रहा था कि बस जाते ही तारक जी के साथ एक और शो करना है क्योंकि भारत जाने से पहले मैंने एक शो रिकॉर्ड किया था तो मैंने कहा जाने के बाद एक शो रिकॉर्ड करूँगा पुनः हो सका इनसेबल बहुत शुक्रगुजार है कि आपने हमें यहां पहुंच के मौका दिया अपनी बात आप Thank तक you, और आपके व्यूर्स तक पहुंचाने का अजीज दोस्तों देखा आपने आ, टेक टीवी का सफ़र ताहिर भाई की ज़िंदगी के हालात तारिक भाई के हवाले से चीज़ें बताई और कुछ इंटरनेशनल टॉपिक्स पे भी हमने ताहिर भाई से जानकारी ली थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फ़ॉर ऑल योर सपोर्ट काइंडली कीप सपोर्टिंग